हालेलुया। इस ब्रदर का नाम सरबजीत है और ये फतेहगढ़ चूड़ियां के रहने वाले ने और ये छोटी बच्ची की टेस्टामनी आ। छोटी बच्ची का नाम जैसमीन है और ये छोटी बच्ची की गवाही आ टेस्टामनी आ कि ये बच्ची का पिछले ही हफ्ते बुधवार एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट बहुत भयानक होया। जब भी एक्सीडेंट होया तो यह बच्ची नु कोई होश नहीं सी और ये पेरेंट्स ने हॉस्पिटल लैके गए और डॉक्टर ने इन्हों बोलिया कि तुहाड़ी बच्ची नु होश नहीं आ रहा, ये बच्ची कोमा च चली गई। अगर 72 घंटे बच्ची नु होश आ गया तो ठीक आ, नहीं तो इस बच्ची के दिमाग का ऑपरेशन करना पवेगा और तुहाड़ी बच्ची कोमा दे विच आ। ये ब्रदर दसते ने कि मैं परमेश्वर से विश्वास करता सी, मैनू परमेश्वर से ईमान सी कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। और ये ब्रदर दसते ने कि जो डॉक्टर ने बोलिया मैं डॉक्टर की गल ते मन नहीं लाया और मैं मन लाया उस सच्चे ते जिंदे परमेश्वर ते। ये ब्रदर दसते ने कि जिवें परमेश्वर के वचन परमेश्वर के दास सानू सिखाते हैं वचना चो जिवें सानू सीखन मिलता है कि परमेश्वर हमेशा साढ़े अंग ते संग आ और साड़ी हर गल नू साढ़े हर हालात नू परमेश्वर खत्म करने की सामर्थ रखते हैं। और ये ब्रदर दसते ने कि डॉक्टर ने बोलिया कि यह बच्ची की MRI भी करवाओ और वो क्लीयर हो जाएगा कि तुहाड़ी बच्ची नॉर्मल आ जा कोमा दे विच आ। और ये ब्रदर दसते ने कि मैं विश्वास के नाल परमेश्वर के दास नू कॉल की और परमेश्वर के दास नू अपना हालात दसिया और बच्ची के बारे दसिया। और ये ब्रदर दसते ने कि परमेश्वर के दास ने इन्हें प्रे की, इन्हों की बच्ची के लिए प्रे की। और ये ब्रदर दसते ने कि मैं भी विश्वास बनिया रहा कि सचमुच परमेश्वर मेरी बच्ची बिल्कुल वधिया आ, बिल्कुल नॉर्मल आ। और ये ब्रदर दसते ने कि प्रे के तुरंत बाद इन्हों की बच्ची नू जो डॉक्टर बोलते सी कि 72 घंटे बाद होश आऊगी, ये ब्रदर दसते ने कि प्रे के तुरंत बाद इस बच्ची नू होश आ गई और जो डॉक्टर बोलते सी कि बच्ची कोमा दे विच आ, अज असीं देख सकते आ वो बच्ची अज साडे सामने बिल्कुल नॉर्मल आ, बिल्कुल वधिया आ और होश दे विच आ। असीं बच्ची दी MRI रिपोर्ट नू वी स्क्रीन ते देख सकते आ और रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आ। इस वड्डी गवाही दे लई